पिछले वीडियो में तुम लोगों को हम बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में आइसोटोप्स आइसोबार और डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स बताएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दिक्कत हो तो कॉमेंट भी करो ताकि हम उसका जवाब दे सकें, चाहे वो अच्छा कमेंट हो या खराब कमेंट हो आपके लिए। तो आगे बढ़ाते हैं आइसोटोप्स, इसका हिंदी होता है समस्थानिक। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स व्हिच हैज सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट मास नंबर। कहता है एक ही तत्व का एलिमेंट जिसका कि परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग हो आइसोटोप्स कहलाता है। आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोपिक एलिमेंट्स का रासायनिक गुण समान होता है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन भौतिक गुण असमान होता है। बिकॉज एटॉमिक नंबर बीइंग द सेम, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर समान होता है एंड हेंस सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। This has, it has same number of protons and electrons. इसमें number of protons electrons same होता है, but electron की संख्या में अंतर होता है। Example तुम्हारा है, hydrogen has three isotopes. इन isotopes हो गया, ये number of electrons हो गया, number of protons हो गया, number of neutrons हो गया और symbol हो गया। पहला है protium, जिसको कि simple hydrogen भी बोलते हैं, 1H1. 1H, 1 मतलब दोनों तुम्हारा एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी तुम्हारा 1, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, तो एटॉमिक नंबर मास में एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1-1 0, सिंबल इसका H होता है। ड्यूटेरियम 1H2 मतलब एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 2-1 तुम्हारा 1 हो गया, इसका सिंबल B होता है। ट्राइटियम 1H3 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन लेकिन 3-1 2 न्यूट्रॉन हो गया, इसका सिंबल तुम्हारा B होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा आइसोबार्स संभारियों। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये अलग अलग एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जिसका मास नंबर समान होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है। आइसोबारिक एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर होता है, बट सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस सेम, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है वो सेम होता है। एग्जांपल तो अपने दो एग्जांपल को किए हैं, आर्गन 1840 कैल्शियम 2040, ये दोनों के एटॉमिक मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। अब यहाँ देखो आयरन में 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अंतर है लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के का जो सम है वो सेम है। नेक्स्ट है तुम्हारा नियॉन 1022 सोडियम 1122, हालांकि सोडियम 1123 होता है लेकिन यह एक आइसोटोप्स ऑफ द सोडियम है। तो यहाँ पर तुम्हारा देखो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन और तुम्हारा और सोडियम में देखो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन हो गया तुम्हारा, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग है लेकिन सम ऑफ द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तुम्हारा सेम है। अब मैं तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, तो दो टेबल बनाओ, एक तरफ आइसोटोप्स लिखो दूसरे तरफ आइसोबार्स लिखो। नंबर फर्स्ट, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, इसमें सेम एलिमेंट्स होता है। आइसोबार्स आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होता है। नंबर सेकंड, इट हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन आइसोबार में इट हैज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। थर्ड है, इट हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होता है। ऐसो बार में है एक है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन की संख्या अलग होता है लेकिन दोनों का सम समान होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर चार, एक है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऐसो ग्रुप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन ऐसो बार में इट है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसमें मास नंबर समान होता है लेकिन अलग एटॉमिक नंबर होता है। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में तुमको एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स बताएंगे, ठीक है? फिर इसका कुछ एक्स हाफ वाई सम एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, इसकी भी जानकारी तुमको दें।